हाय स्टूडेंट्स, कंप्यूटर क्लास डे 3 में आपका स्वागत है। पिछली दो क्लासेस में आप बेसिक कंप्यूटर स्किल्स सीख रहे थे, लेकिन इस क्लास से हम कंप्यूटर के थोड़े एडवांस टास्क आपको परफॉर्म करना सिखाएंगे। कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की इस क्लास में हम आपको कंप्यूटर में फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज और ऑर्गेनाइज करना सिखाएंगे। ये बेहद ही महत्वपूर्ण स्किल है जिन्हें आपको कंप्यूटर में डेली परफॉर्म करना पड़ता है। तो वीडियो में आगे आप विभिन्न टास्क परफॉर्म करना सीखेंगे, जैसे फाइल्स और फोल्डर्स को ओपन करना, न्यू फोल्डर क्रिएट करना, फाइल्स और फोल्डर्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, फाइल्स और फोल्डर्स को डिलीट करना, फाइल्स और फोल्डर्स का नाम बदलना, किसी फाइल और फोल्डर को सर्च करना। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए, आपके कीमती समय को बचाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कंप्यूटर में फाइल्स को मैनेज और ऑर्गेनाइज करना सीखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हैं तो इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। कंप्यूटर में फाइल्स फोल्डर्स को मैनेज और ऑर्गेनाइज करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर का यूज किया जाता है। पिछले विंडोज वर्जन में हम इसे विंडोज एक्सप्लोरर के नाम से जानते थे। फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए डेस्कटॉप में दिस पीसी पर क्लिक करें, या फिर इसकी जगह अगर माई कंप्यूटर शो हो रहा है तो वो भी एक ही बात है। इसे आप टास्क बार यानी यहां से भी ओपन कर सकते हैं, ये इसका प्रोग्राम आइकन है। अगर यहां नहीं शो हो रहा है तो नीचे स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, उसके बाद यहां प्रोग्राम लिस्ट में आपको फाइल एक्सप्लोरर शो हो रहा होगा, ओपन करने के लिए इस पर क्लिक करें। इसके अलावा फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए सर्च बार में फाइल एक्सप्लोरर टाइप करें, फिर ओपन पर क्लिक करें। वैसे सबसे आसान तरीका यह है कि आप शॉर्टकट की का उपयोग करें, उसके लिए कीबोर्ड में विंडोज प्लस ई की को साथ में दबाएं। ओपन होने के बाद फाइल एक्सप्लोरर इस तरह से दिखाई देता है। पहली बार में देखेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी मैं आपको इसकी एक एक चीज अच्छे से समझा देता हूं। लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसे टूल बार कहते हैं। इस छोटे से डाउन एरो पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इस टूल बार को कस्टमाइज कर पाएंगे। जैसे अनडू, रीडू, डिलीट और अन्य बटन को आप यहां ऐड और रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद ये पूरा एरिया रिबन कहलाता है, जिसमें सबसे ऊपर कुछ टैब्स हैं जैसे फाइल, होम, शेयर और व्यू। प्रत्येक टैब के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। होम टैब के अंदर जैसे फाइल्स को एक लोकेशन से दूसरी जगह मूव करने के लिए मूव टू ऑप्शन है, फाइल को डिलीट रीनेम करने के लिए ऑप्शन है, न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए ऑप्शन है। ऐसे ही हर टैब में कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। आप ऊपर राइट साइड में इस अप एरो पर क्लिक करके रिबन को हाइड कर सकते हैं और दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से शो हो जाएगा। इसके अलावा शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F1 दबाकर भी आप रिबन को शो हाइड कर सकते हैं। ये बैक बटन है जिससे आप पेजेस में पीछे जाते हैं। जैसे मैं दिस पीसी पर अगर क्लिक करूं, फिर OS में क्लिक करूं, फिर ड्राइवर के फोल्डर को खोलूं, तो मैं बैक बटन से पीछे के पेजेस में वापस जा सकता हूं। ये फॉरवर्ड बटन है आगे जाने के लिए। जैसे मैं पेजेस में पीछे आ गया हूं तो वापस आगे जाने के लिए फॉरवर्ड बटन दबाना होगा। अब ये छोटा सा डाउन बटन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप रीसेंट लोकेशन पर जा सकते हैं। जैसे हम अभी ड्राइवर्स, OS और दिस पीसी में गए थे तो यहां पर हमें रीसेंट विजिट लोकेशन शो कर रहा है। इसके ठीक नेक्स्ट में अप टू एरो है, जिस पर क्लिक करके आप फोल्डर हायरार्की में एक लेवल अप मूव कर सकते हैं। जैसे मैं यहां चला जाता हूं, ठीक है। अब जैसे ही मैं अप टू एरो को दबाऊंगा तो मैं फोल्डर हायरार्की में एक लेवल ऊपर जाऊंगा। इससे आप ये भी पता कर सकते हैं कि जो फाइल आपने ओपन की है वो किस फोल्डर के अंदर है और वो फोल्डर किस फोल्डर के अंदर है। हालांकि आप एड्रेस बार से भी ये काम कर सकते हैं। जैसे मुझे पीछे के फोल्डर्स में जाना है तो मैं क्रोम पर क्लिक कर सकता हूं, या गूगल में क्लिक कर सकता हूं, या बिल्कुल पीछे जाने के लिए दिस पीसी पर क्लिक कर सकता हूं। अप टू और बैक एरो का यूज कुछ कुछ सिमिलर है, बट बैक एरो का यूज आप तभी कर पाएंगे जब आप पेजेस में आगे आए होंगे। जबकि कितने भी सब फोल्डर्स अंदर की फाइल को आपने ओपन किया हो, आप अप टू एरो का यूज करके फोल्डर हायरार्की में ऊपर की तरफ मूव कर पाएंगे। ये एड्रेस बार है, यहां आपको इस फोल्डर का पूरा पाथ शो होता है, या कह सकते हैं एड्रेस शो होता है। इससे पता चलता है कि ये फाइल या फोल्डर फाइल एक्सप्लोरर में कहां सेव है। इसके ठीक बगल में रिफ्रेश बटन है, जिससे आप इस करेंटली ओपन फोल्डर को रिफ्रेश कर सकते हैं। ये लास्ट में सर्च बार है, जिससे मैं इस फोल्डर के अंदर मौजूद फाइल्स को सर्च कर सकता हूं, या फिर अगर मैं दिस पीसी में होता तो मैं उसके अंदर किसी भी फाइल को सर्च कर सकता हूं। जैसे मैं टाइप करता हूं ड्राइवर्स और फिर इस एरो पर क्लिक करता हूं, तो आप देख सकते हैं ड्राइवर्स से रिलेटेड फोल्डर्स यहां शो हो रहे हैं। अब मैं इस पर क्लिक करके सीधे इस फोल्डर को ओपन कर सकता हूं, तो बेसिकली इससे मेरा टाइम बचता है, ठीक है। तो अब चलते हैं बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड, यह है नेविगेशन पैन।
जिसमें कई मेन फोल्डर्स और आपकी ड्राइव्स शो होती हैं, जैसे सी ड्राइव, वन ड्राइव, ऐसे ही क्विक एक्सेस सेक्शन शो हो रहा है। अगर आपको क्विक एक्सेस सेक्शन के अंदर सेव्ड फोल्डर्स या फाइल्स को ओपन करना है तो या तो आप इस पर क्लिक कीजिए या फिर इसके आगे ये जो राइट एरो है इस पर क्लिक कीजिए, अंदर सेव्ड सभी फाइल्स और फोल्डर्स आपको शो होने लगेंगे। वापस इस एरो पर क्लिक कीजिए, ये कोलैप्स हो जाएगा। अब ये कंटेंट एरिया है जहां फाइल्स और फोल्डर्स की लिस्ट आपको शो होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर आपको इन फाइल्स और फोल्डर्स का व्यू चेंज करना है तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन फाइल्स और फोल्डर्स के आइकन्स छोटे हैं, आप इनको बड़ा करके देखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ ऊपर व्यू टैब पर क्लिक करेंगे, फिर लेआउट ग्रुप के अंदर आपको एक्स्ट्रा लार्ज आइकन और मीडियम आइकन वगैरह ऑप्शंस दिख रहे होंगे। जो भी आपको पसंद हो उस पर क्लिक कर दीजिए। आप माउस कर्सर को इन ऑप्शंस के ऊपर ले जाकर देख सकते हैं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फाइल्स आइकन किस तरह से शो होंगे। इसके अलावा आप फाइल्स को शॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसे आप व्यू टैब के अंदर ही करंट व्यू ग्रुप्स में शॉर्ट बाय ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे अन्य ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आपको सबसे बड़ी साइज की फाइल्स को लिस्ट में पहले शो करना है तो साइज पर क्लिक करें तो आप यहां देख सकते हैं बड़ी साइज की फाइल सबसे पहले शो हो रही है और फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। तो ऐसे ही आप टाइप, नेम, डेट के बेस पर फाइल्स को शॉर्ट कर सकते हैं। अगर किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करना है तो उसके ऊपर माउस से डबल क्लिक करेंगे या फिर माउस कर्सर को उसके ऊपर ले जाकर राइट क्लिक दबाएंगे, फिर ओपन पर क्लिक करेंगे। अगर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। जैसे मुझे यहां डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना है तो मैं सबसे ऊपर जाऊंगा टूल बार में, फिर इस फोल्डर आइकन पर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको कोई नाम दूंगा, इजी टेक क्लास, फिर एंटर दबा दूंगा। इसके अलावा आप कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट की दबाकर भी एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर मुझे इस फोल्डर को यहां से दूसरी लोकेशन पर मूव करना है, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट में मूव करना है, तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को सेलेक्ट करेंगे, फिर होम टैब के अंदर कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हालांकि आप इसके लिए सेलेक्ट करने के बाद सीधे कंट्रोल प्लस सी दबा सकते हैं, फाइल कॉपी हो जाएगी। फाइल फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने से पहले एक बात यहां पर ध्यान देने वाली है, अगर आप इस फोल्डर को यहां भी रखना चाहते हैं और दूसरी जगह भी रखना चाहते हैं तो आप इसको मूव करने के लिए क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे। अगर यहां से हटाकर दूसरी जगह रखना है तो कट करेंगे। जैसे सिलेक्ट कर लिया, फिर कट के ऑप्शन पर क्लिक किया। आप कट करने के लिए सिलेक्ट करने के बाद सीधे शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स भी दबा सकते हैं। अब उस फोल्डर में जाइए जहां आप इसे मूव करना चाहते हैं, फिर ऊपर पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए या फिर आप पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट की भी दबा सकते हैं। एक और तरीका है फाइल फोल्डर को कॉपी कट पेस्ट करने का। फाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर राइट क्लिक दबाइए। पॉपअप मेन्यू में नीचे की तरफ कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। जो भी आपको करना है उस पर क्लिक कीजिए। इसके अलावा अगर आपको एक फाइल के बजाय एक से ज्यादा फाइल को कॉपी या कट करना है तो उसके लिए आप लेफ्ट क्लिक दबाकर रखें, उसके बाद उन फाइल्स के ऊपर ड्रैग करेंगे जिसे आप कॉपी या कट करना चाहते हैं, फिर कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी और कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स दबाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें एक फाइल को छोड़ के अगली फाइल को सिलेक्ट करना होता है, तो इसके लिए आप पहली फाइल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल की दबाकर रखेंगे, फिर अन्य फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको एक फोल्डर की सभी फाइल्स को सिलेक्ट करना है उसके लिए या तो ऊपर होम टैब में सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करें या फिर कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस ए की दबाएं, इससे ऑल फाइल्स सेलेक्ट हो जाएंगी जिसे फिर आप कट कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको फाइल को डिलीट करना है तो उस फाइल को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद होम टैब से आप इसे डिलीट कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर राइट क्लिक दबाकर यहां से भी इसे डिलीट कर सकते हैं या फिर सिंपली कीबोर्ड में डिलीट की को दबाइए, फाइल डिलीट हो जाएगी। अब अगर आपको किसी फाइल या फोल्डर का नेम चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल को सेलेक्ट करेंगे, फिर होम टैब के अंदर रीनेम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और पॉपअप मेन्यू में नीचे की तरफ शो हो रहे रीनेम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा कीबोर्ड में F2 की दबाकर भी आप इस फाइल को रीनेम कर सकते हैं। एक और इजी तरीका है, फाइल को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद इसके ऊपर माउस कर्सर को रखकर 2-3 सेकंड तक लेफ्ट क्लिक को दबाए रखें, फिर छोड़ें। अब फाइल नेम टाइप करें और एंटर दबा दें।
फाइल एक्सप्लोरर में आप अपनी इंस्टॉल्ड ड्राइव्स को भी देख सकते हैं। इसके लिए नेविगेशन पैन में दिस पीसी पर क्लिक करें। यहां आप देख सकते हैं डिवाइसेस एंड ड्राइव्स में एक ड्राइव शो हो रही है, ये सी ड्राइव है। यही वो प्राइमरी लोकेशन है आपके कंप्यूटर में जहां आपकी सभी फाइल्स स्टोर होती है। इसके अलावा अगर आपने कोई एक्सटर्नल ड्राइव जैसे पेन ड्राइव या डीवीडी को कंप्यूटर से कनेक्ट किया होगा तो वो भी आपको यहां शो होंगी। यहां सिर्फ एक ड्राइव इसीलिए शो हो रही है क्योंकि ये एक नया पीसी है और हमने इसमें अभी पार्टीशन क्रिएट नहीं किए हैं। हो सकता है आपके कंप्यूटर में दो या उससे अधिक ड्राइव आपको शो करे। तो डे 3 की कंप्यूटर क्लास में इतना ही काफी है। आज आपने कंप्यूटर में फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज और ऑर्गेनाइज करना सीखा। हमें खुशी है कि आप इस कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की वीडियो सीरीज को देखकर धीरे धीरे कंप्यूटर चलाने में एक्सपर्ट बन रहे हैं। हमसे सीखने का आपका ये एक्सपीरियंस कैसा है हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर कोई चीज नहीं समझ आती है तो कमेंट में हमें बताएं, मैं उसका सलूशन आपको जरूर दूंगा। अगर कोई सुझाव हो तो वो भी हमें कमेंट में जरूर शेयर करें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही चीजें हैं जो हमें बताती है कि वीडियो से आपको सीख रहे हैं और हमें आपके लिए और बेहतर वीडियोस बनानी चाहिए। तो मिलते हैं कंप्यूटर क्लास डे 4 में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए गुड बाय।